ये लो भैया। मैडम ये तो 50 रुपए हैं, बाकी के पैसे? क्या? हाँ मैडम, बताया था साकेत तक के 80 रुपए लगते हैं। अच्छा, कौन है तू? अपने हिसाब से प्राइस बढ़ाने लगते हो तुम लोग। जो देरी रख ले समझा, वरना ये भी वापस कर दे। मैडम ये तो गलत बात है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मीटर से चलो, लेकिन आप तो उस टाइम माने नहीं और अब यहाँ खड़े होकर बहस कर रहे हो। तू रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैडम ये क्या कर रहे हो मैडम आप? गाइस, ये ऑटो वाला मुझे मोलेस्ट कर रहा था और मुझे छेड़ रहा था, जबरदस्ती मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहा था। मैंने इसे मना किया तो मेरा हाथ पकड़ने लगा, बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। ये क्या बोल रही मैडम आप, ये सब तो झूठ है ना? देख रहे हैं आप लोग ये मुझसे कैसे बात कर रहा है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें पता चले कि इन जैसे लोगों की वजह से लड़कियां आज भी सेफ नहीं है। देखता जा, मुझसे पंगा ले रहा था ना तू, अब पता चलेगा। साहब आपने मुझे बुलाया? हाँ, अपने ना ऑटो की चाबी दे देना और कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। चाबी क्यों साहब? चाबी क्यों, बहुत ही भोला बन रहा है तू तो, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है तूने क्या किया है। क्या कह रहे हो साहब आप, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। सारी दुनिया को पता चल गया है कि तू क्या करता है। ये देख, ये देख साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, ये सब झूठी वीडियो है। देख तूने क्या किया है क्या नहीं किया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अपने ऑटो की चाबी दे और कल से आने की कोई जरूरत नहीं, चल जाए। हेलो। हाँ भाई, कैसा है तू? क्यों किया भाई तूने मेरे को फोन? भाई वो तुझे बता रहा था ना कि तेरी कंपनी में एक ड्राइवर की जॉब खाली है, भाई मुझे लगवा दे वहाँ पर। अबे पागल हो गया क्या? ये सब कांड करने के बाद तुझे अपनी कंपनी में रखूं? तू कंपनी बंद करवाना चाहता है क्या मेरी? भाई क्या बोल रहा है तू? देख ये सब नाटक ना तू मेरे आगे मत कर। और मैंने देखी है तेरी वो वाली वीडियो, तेरे को तो ना शर्म आनी चाहिए ये सब करके। यार तू तो मुझे बचपन से जानता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? यार वो वीडियो झूठी है, मैंने कुछ भी नहीं किया यार। देख भाई मुझे जॉब की बहुत जरूरत है यार। नौकरी? भाई मैं नहीं रख सकता तेरे को यहाँ पे नौकरी पे, और तू इस नंबर पे मुड़ के दोबारा फोन मत कर दियो। और मैं तो ये भी नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि तू मेरा दोस्त है, समझा? फोन रख दे। तूने क्या किया है या नहीं किया इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ठीक है, अपने ऑटो की चाबी दे और कल से आने की कोई जरूरत नहीं। देख ये सब नाटक ना तू मेरे आगे मत कर, और मैंने देखी है तेरी वो वाली वीडियो, तेरे को तो ना शर्म आनी चाहिए ये सब करके। हाँ प्रिया। अरे प्रगति, तूने वो ऑटो वाली की वीडियो देखी? नहीं, क्यों, क्या हुआ? उसने सुसाइड कर लिया है और वीडियो हर जगह पे वायरल हो रही है। What? हाँ मैं तुझे अभी वीडियो भेजती हूँ। मेरा नाम दीपक है। कुछ दिन पहले एक लड़की ने मेरी झूठी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी और उसमें उसने कहा कि मैंने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, इससे लोगों ने मुझे मारा, मुझे गालियां दी,
लोग मुझे घिन की नजर से देखने लगे। मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया। मेरी 6 साल की बच्ची जिसे स्कूल से निकाल दिया, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं है, कोई कारण नहीं है। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, श्रुति बेटा, तेरे पापा ने कुछ नहीं किया, तेरे पापा निर्दोष है। मुझे माफ करना। आप सब लोग मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से एक इंसान की जान चली गई। गाइस, उस दिन उस ऑटो वाले ने मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि मैंने ही अपनी ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाली थी और उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती कि इस दर्द से गुजर रहे होंगे वो। मैं किसी माफी के लायक तो नहीं, तो मैं उनकी फैमिली से माफी मांगना चाहती हूँ। आप लोग मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। बोलो हैप्पी।